आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। परसों की रात में पटना के खुसरूपुर में जो महिला को नंगा करके दबंगों ने घुमाया है, मारपीट की है उनके साथ, उसके प्रतिरोध में माकपा माले का राज्यव्यापी आज जो है प्रतिवाद चल रहा है। तमाम देख रहे हैं आप महिलाएं खड़ी हैं और पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ के नेतृत्व में पटना के बुद्धा पार्क में ये प्रतिवाद किया जा रहा है। पहले हम संदीप सौरभ से जान लें, फिर महिलाओं से हम जानेंगे। सरकार के साथ आप हैं और ये घटना घटी है, तो सिर्फ प्रतिवाद से ही काम चलेगा ना, एक बड़ा तख्त लहजे में चेतावनी दे देनी होगी नीतीश कुमार? ना, हम लोग तो तख्त लहजे में चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की घटना एक तो ना हो, और घटना अगर कहीं होती है तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हमें अच्छा लगा, कल हम लोग जब गए, परसों की घटना है, परसों रात की घटना है, कल हम लोग वहाँ गए और कल हम लोगों ने प्रशासन से बात की, डीएम से बात की, सीनियर एसपी से बात की और हमने देखा कि तत्काल परिवार को 1,00,000 का मुआवजा, वहाँ सुरक्षा का प्रॉपर हथियारबंद इंतज़ाम और डॉक्टर की एक टीम जा कर के महिला से मिली और खुद संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि उसको तुरंत अरेस्ट करो, वो फरार अभी है। तो कोई सरकार, महागठबंधन की सरकार, अगर घटना के एक दिन दो दिन के अंदर इस तरह की पहलकदमी लेती है तो ये ठीक चीज़ है। अभी जो बात एक साथी कह रही थी, इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है, क्योंकि देश में इस तरह की घटनाएं जहां पे हो रही है उसके पक्ष में बोलने वाले लोग पैदा हो जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए सरकार लग जा रही है। मणिपुर में जब एक महिला को नंगा किया गया और उसी समय जब मामला संज्ञान में आया और देश की सरकार एकदम कड़ा कार्रवाई करती उस पर, तो यहाँ की इस दबंग की हिम्मत नहीं होती। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया गया और कार्रवाई के नाम पे उसके घर का जो छज्जा था उसको तोड़ दिया गया और कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अगर वहाँ ठोस कार्रवाई हुई होती तो इस दबंग का हिम्मत नहीं था कि उस महिला को नंगा करके उसके चेहरे पर पेशाब करवाता। सौरभ जी, सबसे बड़ी बात ये मैं कह रहा हूँ कि ये सामंती मिजाज को बढ़ावा देने वाली जो बात है उसको तो टारगेट करेंगे। तो सौरभ जी, उस सामंती मिजाज वाले लोगों के साथ आप सरकार चला रहे हैं? सामंती मिजाज वाले लोगों के साथ सरकार चला रहा है जिसने किया है। अभी आपकी महिला मित्र ने कहा कि जिस बिरादरी ने जब जब देखा गया है, हाँ, से आप लोग समझते हैं चीजों को। क्या कोई बिरादरी का सरकार चलता है? कोई बिरादरी का सरकार है नहीं? अगर आप ऐसा समझते हैं, नहीं, ऐसा हम नहीं समझ रहे हैं। कौन समझ रहा है? मित्र ने कहा, बकायदे नाम लेके कहा कि वो जो है, तो जब से सरकार, नाम प्रमोद सिंह यादव है, बिल्कुल, तो हम लोग नाम छिपा दें ना, एकदम लीजिए उनका नाम। अच्छा, वो अगर उस नाम के चलते अगर सरकार कार्रवाई करने में विलम्ब करेगी तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये मैं कह ही रहा हूँ कि दो दिन पहले की घटना हुई, कल संज्ञान में सबके मामले में आया, कल अखबार में सब में छपा वो, और आज हम लोग को खबर मिल गई, कल ही तो कुछ कार्रवाइयाँ तो कल ही हो गई थी, हम लोग वहीं से तो बैठ के करवा दिए। तो ये कार्रवाई अगर हो रही तो बिहार सरकार का ये पहलकदमी हम लोग मानते हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें और चाहिए इन द सेंस कि अगर वो व्यक्ति फरार है तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि गरीबों के घर में अगर कोई घटना हुई, गरीब फरार हो गया डर के मारे, तो अगला दिन चौखट के मारी सब उठा करके ले जाता है थाना वाला, पुलिस ले जाता है कुर्की जब्ती, तो आप उसके घर में कुर्की जब्ती करवाइए संदीप जी, अगर नहीं मिलता है तो। एक सवाल इसी से, मैंने इससे नहीं, थोड़ा सा हटके एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। पटना हाई कोर्ट की महिलाओं को ऑटो गैंग जो आजकल पटना में सक्रिय हैं, उनके चैन और सामान छीन लेते हैं, बच्ची को मारने लगते हैं, पुलिस जो है केस नहीं करती है, जबकि महिला हाईकोर्ट की दोनों वकील थी, जब मामला हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच पे केस किया जाता है तो हाईकोर्ट का जब डंडा पड़ता है तो पटना के एसपी भागे दौड़े जाते हैं, परसों उनका सब सामान बरामद हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि जब तक बिहार पुलिस पर कोर्ट का डंडा नहीं चलता है तब तक वो उसके कान खड़े नहीं होते हैं? नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है, ये सही बात है कि ऊपर से अतिरिक्त दबाव हो, चाहे कोर्ट का हो जाए चाहे डायरेक्ट सरकार का है, तब तो पुलिस का एक्टिविटी ठीक है। तो हम लोग तो शुरुआत से कह रहे हैं कि बिहार पुलिस को ही नहीं बल्कि देश भर में जो पुलिस हैं उनकी जो ट्रेनिंग का सिलेबस है उसको बदलना चाहिए, ये जो पुलिस का आम जनता के प्रति व्यवहार है उसको बदलना चाहिए,
जो दो महिलाओं का अगर केस नहीं लिया तो पुलिस को एक लत लगी हुई है कि गरीब कोई आएगा तो हम उसका केस नहीं लेते हैं। गाँव में होता ही है, थाना में लोग जाने से डरता है। तो ये सब पूरा चीज़ को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उस दिशा में भी सरकार को जाना चाहिए। और हम लोगों ने तो सदन में कहा इस बात को कि पुलिस ट्रेनिंग की जो नियमावली है उसमें कुछ ठोस माने कंटेंट में बदलाव, फॉर्मेट में सिर्फ हम नहीं करेंगे, ऊपर से कुछ बदलाव कर दीजिए, ड्रेस को सब भूरा से करके वाइट कर देने से कुछ हो जाएगा, कंटेंट जो आप सिखाते हैं पुलिस के लिए। जैसे हमने देखा पश्चिम बंगाल में, मैंने देखा कि वहाँ पे एक नियम है कि पुलिस को के पास अगर कोई पहुँचता है तो उसको पुलिस को ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आइए बैठिए, ये दो शब्द बिना बोले वो कुछ नहीं बोल सकता है पुलिस वाला। तो आइए बैठिए कहने का जो मतलब है ये गरीबों को कॉन्फिडेंस देगा। तो उस तरह का कुछ चीज़ यहाँ पे भी हो, हम लोग चाहेंगे उसको, हम लोग आगे मांग उठाएंगे। अंतिम सवाल, लड़ाई सवाल जो है वो कहाँ तक आप पहुँचेंगे इस लड़ाई को लेकर? एक लाख तो मिल गया क्या उसी पे? ना, एक लाख नहीं मिलेगा, वो और मिलेगा। वो तो कल हम लोगों ने फ़ोन किया पहुँच करके और तत्काल 1 लाख उनको दिया गया है। उसमें मुआवजा का रकम जितना है, सरकारी प्रोविज़न बना हुआ है तो उतना पैसा उनको मिलेगा, 7-8 लाख से कम नहीं मिलेगा उसमें। माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि मुआवजा जो सरकारी नियमानुसार निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही कि जो देश का पुलिस का जो नियम है, सिर्फ वर्दी मतलब खाकी से जो है वो सफ़ेद हो जाने तक अच्छा नहीं है, वर्दी बदलने के साथ ही पुलिस के आचरण में बदलाव निश्चित तौर पर आना चाहिए। गरीबों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पुलिस हमारी मित्रवत व्यवहार करेगी, हम वहाँ यदि कोई शिकायत लेकर जाएंगे। हमारे साथ गोपाल जी भी हैं। गोपाल जी क्या कहें? इस घटना के जितनी निंदा किया जाए, काफ़ी बर्बर घटना है और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संपूर्ण बिहार में इसके सवाल पर आंदोलन होंगे। और माले की समर्थक जो महिलाएं हैं जो माले के विधायक के साथ खड़ी हैं, क्या मानती हैं कि बिहार में जब से आप लोगों ने समर्थन देके सरकार बनाई है तब से ये मामले और बढ़ गए? ऐसा नहीं मानते हैं हम। हम मानते हैं कि समाज का जो बदलाव, साथियों ने आपको बताया कि फ्यूडल सोसाइटी है, सामंती समाज है, और जहाँ हम लोगों ने इस फ्यूडलिज्म को तोड़ा है, जहाँ किसान आंदोलन चला है, वहाँ ऐसी घटनाएं संभव नहीं होती, हिम्मत नहीं पड़ती है। जो महिलाएं शामिल हैं इसमें, पुनपुन इलाके की महिलाएं हैं, इन लोगों का कहना है कि अगर यही घटना खुसरूपुर में जो है हुई है, पुनपुन में हुई होती, तो चढ़ करके उस प्रमोद सिंह का घर द्वार हम लोग तहस नहस कर दिए होते। मतलब सरोज जी मेरी बात तो सुनिए, आप तो कहे ही बताएं। तो ये पूरा इलाका जो है एकदम वो सामंती तत्वों से भरा हुआ है, और इन सामंती तत्वों को जो हमारी सरकार है, वो केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार, उसके एजेंट गिरिराज सिंह जैसे लोग यहाँ हैं, बगल के बेगूसराय में हैं, ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं, तो इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ। जैसा कि आपको संदीप जी ने बताया कि वहाँ मध्य प्रदेश में ऐसी घटना हुई, आपको कठुआ में बलात्कार हुआ एक लड़की से, तो छोटी बच्ची से, और भाजपाई लोग उसके समर्थन उतर पड़े तिरंगा झंडा लेकर के। मणिपुर में जो घटना हो रही है, तो पूरे देश का जो माहौल है उससे अलग थलग इन इलाकों का, लेकिन जहां जनता लड़ रही है, महिलाएं लड़ रही हैं, उस पर काबू किया जा रहा है। आपके विधायक ने ठीक है मध्य प्रदेश की भी चर्चा की, और यहां भी कार्रवाई हो रही है, यहां भी कार्रवाई हो रही है, चर्चा की उन्होंने। तो कानून व्यवस्था तो पूरा राज्य सरकार का विषय है, इसमें आप केंद्र सरकार को कैसे? हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार का कानून व्यवस्था विषय है, लेकिन केंद्र सरकार खाद पानी देती है। पूरे देश में जो हालात पैदा होता है, राज्य सरकार पुलिस का चरित्र सब एक ही होता है। सुनिए, सब पुलिस का चरित्र, सवालों का जवाब दीजिए। पुलिस आपकी है, राज्य सरकार कितना भी करें, फिलहाल हम पुलिस के खिलाफ भी और राज्य सरकार के खिलाफ भी जो न्याय की लड़ाई है सबके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन अभी जो केंद्र में सरकार है, वो महिलाओं का, जैसे अभी महिला आरक्षण विधेयक लाया, वो कब लागू होगा?
2029 में लागू होगा। लाया तो क्या, उसका परिसीमन करेगा, जनगणना करेगा, जाति जनगणना करेगा, और 2029 में ये उसी तरह से हुआ कि लाठी भी टूट गई और सांप भी नहीं मरा। तो आपको कब लाभ मिलेगा? आगे वो कुछ और भी कर सकते हैं, उनके हाथ में सारा कुछ है। तो इसलिए जो माहौल है अभी का, वो केंद्र सरकार ऐसे महिला उत्पीड़न की घटनाओं को वो खाद पानी देता है, और यहाँ सरकार एक्टिव है। वो हमारे विधायक लोग गए, उन लोगों ने सारे पदाधिकारियों को कहा, वो लोग एक्टिव हुए हैं और आगे भी आंदोलन चलेगा। वो महिला रसोईया थी, मैं रसोईया संघ की भी नेता हूँ, और रसोईया लोग मिल करके, कल रसोईया संगठनों की बैठक थी, हम लोग निंदा किए हैं, घटनास्थल पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे, और 31 अक्टूबर को अगर कार्रवाई नहीं होती है और ये सूदखोरी व्यवस्था नहीं खत्म होती है, तो 31 अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा रसोईया संघों का। उनकी उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इस सरकार के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। सरोज चौबे केंद्रीय कमेटी की मेंबर हैं सीपीआई माले की, और कहा कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 31 अक्टूबर को जो है राज्यव्यापी आंदोलन इस पर किया जाएगा। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।